जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब मैंने माइक्रोमैक्स जो ये मेरा फोन है ई नोट वन उसको मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, तो उसके बाद मुझे कोई बैक कवर नहीं दिया गया था बॉक्स में। तो उसी का कारण से मैंने कुछ बैक कवर इसी के माइक्रोमैक्स ई नोट वन के ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेस किए थे। तो आज के इस और साथ ही साथ मैंने कुछ यहाँ जो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ का जो लोकल मार्केट यानी गफार मार्केट या नेहरू प्लेस है वहाँ से भी ढूंढा है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं फ्लिप कवर्स और जो ओरिजिनल मुझे प्रोवाइड कराया गया था उसका कंपेरिजन करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मैं उन सभी का लिंक अगर आपको फ्लिप कवर्स तो पसंद आए तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। और चलिए ये बात हम लोग वीडियो पर स्टार्ट कर देते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए मैं आपको एक फ्लिपकवर दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते ये जो है ये आपका ओरिजिनल फ्लिप कवर है जो कि मुझे प्रोवाइड किया गया था बाद में, और इसके बाद जो है सॉरी इसके पहले जो मैंने दो फ्लिप कवर्स मंगवाए थे, एक था ये जो कि थोड़ा सा डिजाइनर फ्लिप कवर था और एक दूसरा फ्लिप कवर मंगाया था जो कि एक एकदम सिंपल सा फ्लिप कवर था। तो मैं यही तीनों फ्लिप कवर्स का आज मैं कंपेरिजन करूंगा कि कौन सा तीनों क्वालिटी कैसा है और इसका फिटिंग ये सब कैसा है। तो मैं आपको एक एक करके तीनों को लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये वाला जो है इसका जो ऑरिजिनल प्रोवाइड किया आया था वो एकदम इजिली फिट हो जाता है। और फिर अब आते हैं इसके दूसरे पे। तो जो ये वाला ये है आपका हब्सी का सिलिकॉन केस का कवर है, इसका मटेरियल भी एकदम काफी सही है और इसको मैं फिट करता हूँ तो यहाँ पे ये भी अच्छा सा फिट हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसके साइड में ये थोड़ा सा ये उठा हुआ है तो आपका इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा कि आपका फिटिंग का कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। और इसका कटआउट भी काफ़ी सही है, आप ऊपर से भी देख सकते हैं और नीचे में भी कटआउट काफ़ी सही है। तो फिटिंग वाइज ये भी पास हो जाता है पेस्ट में। और फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका ये डिजाइनर कवर है, और इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको प्रिंट किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे में ये आपका वही टीपीयू मटेरियल लग रहा है और केवल ऊपर से इसको प्रिंट कर दिया गया है। तो इसको लगा के दिखाता हूँ तो देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा से काफ़ी अच्छा फिटिंग है दोनों सब में। और आपको यहाँ पर साइड से भी उठा हुआ है तो आपको सॉफ्ट रेस्टनेस भी मिल प्रोवाइड कर किया हुआ है। वही है इसका नीचे में जैसे देख सकते हैं नीचे में थोड़ा सा कटिंग में थोड़ा सा इशू है, यानी थोड़ा सा जो कटआउट्स है थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का कटआउट ऊपर नीचे हो गया तो उसमें थोड़ा सा इशू है। बाकी इसका बटन जो है वो भी सही से काम कर रहा है, सब चीज़ सही से काम कर रहा है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो ये भी पास कर जाता है। तो अब आते हैं कि मेन ये तीनों में कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, आपको ये लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का प्राइस बता देता हूँ। जो ये दोनों है आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों पे ही आपको 150 या 200 तक में इजिली मिल जाएगा, या उससे कम है भी शायद 120 का या 100 का मिल जाता है। और वहीं मैंने यहाँ क्या बोलते हैं जो आप क्या नेहरू प्लेस या गफा मार्केट से ये मैंने दूसरे फ़ोन पोको X2 के लिए लिया था, ये मुझे ₹50 का मिला है। तो ये भी क्वालिटी सही है इसका भी। तो अगर देखा जाए अगर आप ऑनलाइन लेना चाहे तो आप इसको ले सकते हैं दोनों को, अगर आपके कवर है और अगर आप डिज़ाइनर केसेस में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जाइए, कवर से क्वालिटी अच्छा है। और मैं इसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप दे सकते हैं। और इसका जो बटन्स है वो भी काफ़ी सही है, और तो क्वालिटी वाइज ओरिजिनल से तो थोड़ा सा क्वालिटी ये दोनों का कम है, बट क्योंकि जो ये वाला है डिजाइनर वाला वो आपका प्रिंटेड है तो वो क्वालिटी सेम है। अब ये देखना है कि इसका प्रिंट कब तक रहता है और कब उखड़ता है। और जो ये वाला है इसका आपको टच और फील काफ़ी अच्छा है, जो आपका ये वाला सिंपल केस कवर है और यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ रॉक करके इंग्रेव किया हुआ है कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है इसका। वही है कि आपका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। अभी तक मैं तीनों को यूज़ कर चुका हूँ और मेरा फ़ोन जो है वो काफ़ी बार गिर चुका है एक्चुअली में, और गिरने का कारण से आप देखा दिखाता हूँ हुआ क्या है। एक मिनट, जैसा कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं,
साफ करता हूँ ताकि वो स्क्रैचेस अच्छे से दिखेंगे। तो हो सकता है आपको स्क्रैच नहीं दिखे, पर इसका जो हाँ जैसे देखिए आप यहाँ पर स्क्रैच बहुत ज़्यादा पड़ गया। एक्सपर्ट स्क्रीनिंग ग्लास दिया हुआ था, तो जितना बार गिरने के कारण ही, और आप जैसे देख सकते बैक में बिल्कुल कुछ भी खरोच ये सब कुछ नहीं आया हुआ साइड में, क्योंकि मैंने ये सब कवर प्रोटेक्शन यूज़ किया हुआ था। जब तक ये ऑनलाइन वाला आया नहीं था तब तक मैं इसको यूज़ कर रहा था। उसके बाद मैंने बहुत टाइम इसको यूज़ किया है, और आपने देखा ही होगा कि जो मेरा ब्लॉग था, जो मैंने मथुरा वाला में बनाया था, उसमें मैं ये वाला कवर लेके गया था, तो आपने देखा ही होगा इस कवर को यूज़ कर दिया मुझे। तो ये था वो कवर। तो डेट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और मैं फाइनली ये बता दूं कि आप इसको कहीं दोनों को इजिली बाय कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आया है, और यूजरली इसमें कोई इश्यू नहीं है, एक क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और वो जो लिंक होगा वो मैं पहले बता दूँ, वो स्पॉन्सर्ड लिंक या फिर ऐसा कोई लिंक नहीं है। तो आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप लोग फ्लिप कवर ऐसा बैक कवर लेना पसंद करते हैं या स्क्रीन्स लेना पसंद करते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी।